वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये जरूर अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहां पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लग्न राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लग्न राशि क्या है, देखिए जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लग्न हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें, आप जब भी हमारा वीडियो देखें। तो ये लग्न आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में, लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है, हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य देव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने सम ग्रह गुरु के साथ, और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो यह था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति।
आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब अंत में हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं जो मीन राशि के जातक हैं, ये अंतिम राशि होती है मीन राशि, तो आपके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में और आपके व्यवसाय में कैसे हालात रहने वाले हैं इस माह, इसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको देंगे। तो आइए जानकारी देते हैं आपको। इस माह आप मीन राशि के जातकों को माह दिसंबर में अपने रोजगार या व्यापार में काफ़ी सावधानी पूर्वक कार्य करने होंगे, क्योंकि माह के मध्य तक तो पितृदोष ही बना रहेगा तथा काल सर्प योग का भी निर्माण महामध्य से पूर्ण रूप से हो जाएगा। महामध्य तक तो आंशिक होगा, उसके बाद पूरे माह मतलब महामध्य से और माह के अंत तक पूर्ण रूप से काल सर्प योग होगा। और इन सब के अतिरिक्त आपके व्यवसाय के घर के जो स्वामी हैं, करियर के गुरु बृहस्पति हैं, वो नीच राशि में हैं, वो नीच के हो गए हैं, उनका नीच की राशि में संचार चल रहा है और अपने पापी ग्रह शनि के साथ हैं, तो उनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ भी बनी हुई है, जैसा मैं अभी बता भी रहा हूँ। यानी गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में तो हैं ही, साथ ही पापी ग्रहों के प्रभाव में भी हैं। तो जब कभी भी व्यवसाय के घर के स्वामी की ऐसी स्थिति बन जाती है तो जातक को अपने व्यवसाय में बहुत अधिक व्यवधान, कठिनाइयों का सामना, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियों से भी आपको दो चार होना पड़ता है। पदोन्नति में रुकावटें आती हैं, उन्नतियों के अच्छे अवसर भी प्राप्त नहीं होते, मिलते भी हैं तो हाथ से छूट जाते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है। अगर आप अवसर आए भी तो या तो फिर वो आपके मनपसंद के नहीं होंगे या फिर आपकी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर प्राप्त नहीं होते हैं। अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती उसके अनुसार, तथा कम योग्यता और कम अनुभव के लोगों के अधीन रहकर भी कार्य करना पड़ जाता है जब इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति होती है, और इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति जातक को उठानी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त पितृदोष और कल्प सर्प योग भी आपके शुभ परिणामों की प्राप्ति में कमी ला रहे हैं। हमारा आपको यहाँ पर ये एक सुझाव है, और वो क्या है, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत समझदारी, ईमानदारी और पूरे परिश्रम के साथ अपने कार्यों को और पूरे धैर्य के साथ करते रहिए। हम आपको राशिफल के अंत में बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप करेंगे उन उपायों को तो जितनी परेशानियां ये आ रही हैं वो तो आएंगी, ग्रहों की स्थिति ऐसी है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कमी होगी अगर आप उपाय करेंगे, काफी कमी होगी और आपको राहत मिलेगी, वो हम अब राशिफल के अंत में बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। वित्तीय स्थिति, आपके जो आय के स्रोत हैं वो बने रहेंगे, मगर आय में कुछ विघ्न बाधा भी आपको आ सकती है। माह के उत्तरार्ध से आपके अपने संचित धन में भी वृद्धि होगी। माह के मध्य से आपकी सुख सुविधाएं हैं उनमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि होने वाली है। आर्थिक दृष्टि से यह माह मध्यम रहने वाला है। प्रेम संबंध, इस माह आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की प्रगति का कोई योग है नहीं, दूर दूर तक भी, तो हम आपसे झूठा वादा तो कर नहीं सकते, बताएंगे तो वो ही जो ग्रहों की ओर से इशारा मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप निश्चित रूप से अपने प्रयासों में सफलता हासिल करेंगे आने वाले समय में। पारिवारिक संबंध, इस माह आपकी ओर से तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिसके कारण संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है परिवार के सदस्यों के साथ, लेकिन फिर भी परिवार की ओर से आपको सहयोग मिलता रहेगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में कुछ ना कुछ समस्याएं चलेंगी, कभी कभी कम कभी कुछ ज़्यादा, इस प्रकार की स्थिति पूरे माह चलती रहेगी। शिक्षा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये माह, शिक्षा प्राप्ति को लेकर छात्रों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति इस माह होगी। संतान, आपको अपनी संतान की ओर से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। बीच बीच में कभी बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे उनके द्वारा, तो कभी आपको कुछ थोड़ा सा चिंतित करने वाले परिणाम भी सामने आएंगे, लेकिन आप घबराएं नहीं, औसतन मध्यम परिणाम ही रहेंगे। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। आपको छाती से संबंधित रोग परेशान करेंगे जैसे कि कफ, इन्फेक्शन वगैरह, और महामध्य के उपरांत स्वास्थ्य में सुधार आपको होता दिखाई देगा।
अब जिन उपायों की हमने बात आपसे की थी वो उपाय हम बता रहे हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में कमी ना हो तो प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल अर्पित करें और उस जल में एक चुटकी कुमकुम मिला लें रोली और तब जल अर्पित करें, और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से अवश्य खिलाएं, चाहे हरा चारा हो या पालक हो, पालक की जो सब्जी होती है हरा ये खिला सकते हैं, मूली के ऊपर जो हरे पत्ते होते हैं वो खिला सकते हैं, ये आप खिला सकते हैं बुधवार के दिन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने रोजगार और व्यापार में आने वाली समस्याओं में कमी आए तो भाई अपने गुरु को सही करो, उन्हें प्रसन्न करो। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा बिल्कुल करना ना भूलें, चने की दाल से करें, गुड़ हो तश्तरी एक छोटी सी प्लेट ले लें, उसमें चने की दाल, गुड़, हल्दी एक चुटकी हल्दी ले लें, पीले पुष्प, जल, धूप, दीप आदि, इससे पूजा करनी है। और वहीं बैठ करके गुरु बृहस्पति देव का लघु मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बड़ा मंत्र तो आप नहीं कर पाएंगे इसलिए हम उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं, सरल मंत्र बता रहे हैं ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका 108 बार करें, एक माला करें या तीन माला अपनी श्रद्धा अनुसार, और वहीं पर गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि जो क्षमा प्रार्थना करें और अपने लिए कृपा उनकी बनी रहे उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करें। और गुरुवार के दिन करें, नहीं तो मैं तो कहता हूं कि आप रोज ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रतिदिन ही करें, नित प्रतिदिन आप केसर के तिलक का चंदन माथे पर करें और अपनी जिह्वा पर करें, नाभि पर करें, यह तिलक आप प्रतिदिन लगाएं, मैं तो यही कहूँगा। और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र बिल्कुल ना पहने और पीली कोई खाने पीने की चीज़ ना खाएं, पीली दाल ना खाएं, पीली मिठाई कोई ना खाएं, पीले फल ना खाएं, ये आपने करना है। अगर आपने ये उपाय किए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितने चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनमें आपको बहुत हद तक आपको कमियाँ होंगी परेशानियों में। तो मित्रों ये आप मीन राशि के जो जातक हैं उनका माह 2020 का था राशिफल, मतलब माह दिसंबर 2020 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।